प्रीति एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। उसे किसी भी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कुछ समय पहले ही उसकी मुलाकात रोहित से हुई थी। प्रीति रोहित को बहुत पसंद करती थी और एक दिन वह उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और बोलती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ कॉफी शॉप चलो। प्रीति समझने की कोशिश करो यार, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे साथ कॉफी शॉप चलोगे मतलब चलोगे। देखो मेरे बॉस ना अभी ऑफिस में नहीं है और उनसे बिना पूछे मैं ऑफिस से जा नहीं सकता। ठीक है मत जाओ तुम, वैसे भी तुम्हें मेरी किसी भी चीजों से फर्क ही कहाँ पड़ता है। प्रीति इतना बोलकर गुस्से में रोहित के ऑफिस से निकल जाती है, जिसके बाद रोहित फिर से अपने कामों में लग जाता है। शाम को जब उसके ऑफिस की छुट्टी होती है तो वह प्रीति को कॉल करता है। मेरे ऑफिस का ऑफ हो गया है, अब तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ मिलना है मुझसे। मुझे तुमसे नहीं मिलना है, तुम जाओ करो अपने ऑफिस का काम, तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस से बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। यार ऐसा नहीं है, सब कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसा कर रही हो। ठीक है मुझे नहीं मिलना, मैं जा रहा हूँ। यार तुम कैसे लड़के हो, अगर कोई लड़की तुमसे गुस्सा है तो तुम उसे मनाने की जगह खुद ही गुस्सा होकर बैठ गए। तुम्हें तो लड़कियों को मनाना भी नहीं आता। यार 10 गर्लफ्रेंड तो पाली नहीं है मैंने, एक इकलौती तुम हो, अब तुमको मनाने में 24 घंटे थोड़ी बर्बाद करूंगा। देखो मिलना है तो बता दो वरना मैं घर चला। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो, अपने ऑफिस के बाहर वाली कॉफी शॉप पर आ जाओ, मैं वहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। रोहित प्रीति से मिलने के लिए कॉफी शॉप पर जाता है, जहाँ प्रीति बोलती है, मैंने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। हाँ तुम थोड़े से खड़ूस हो लेकिन फिर भी मुझे पसंद हो, मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। यार वैसे मैं ऑफिस के काम से बहुत थक चुका हूँ, अब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो तुम मजाक मत करो मुझसे। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच में तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती होती तो जैसा व्यवहार आज तुमने मेरे साथ किया, मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होती, बल्कि कब की यहाँ से चली गई होती। देखो प्रीति मैं गरीब हूँ और तुम अमीर, आसमान और धरती जिस तरह कभी मिल नहीं सकते उसी तरह दूर दूर तक हम भी मिल नहीं सकते। तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियो, क्या मिलेगा मुझसे शादी करके तुम्हें। सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रोहित ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं बिना किसी आराम के रह लूंगी लेकिन शादी तुमसे ही करूंगी। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे निभाना पड़ता है, अब मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ अपना जीवन काट पाओगी, इसीलिए मेरी बात मानो, अपने जैसे किसी अमीर लड़के से शादी करो और घर बसा के सेटल हो जाओ और मुझे भूल जाओ। रोहित की बात सुनकर प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रोहित भी अपने घर चला जाता है और वह घर में खा पी कर अपने कमरे में लेटने जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास प्रीति के फ्रेंड का कॉल आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में एडमिट है, और वह प्रीति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके बदन पर लगी चोटों के निशान देखकर वह बोलता है, प्रीति ये सब क्या है, तुमने मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं कुछ सोचती हुई गाड़ी चला रही थी जिसके चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, मेरे पापा मेरे लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया है, या तो तुम अपने पसंद का लड़का लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो या तो मैं अपनी पसंद के लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन मैं अपने हालातों को भी जानता हूँ और डरता हूँ कि तुम्हारी शादी अगर मुझसे हो गई और तुम मेरे घर में रह नहीं पाई सही से, तुम्हें दिक्कतें होगी परेशानियाँ होंगी, ये सब मैं कैसे देख सकता हूँ। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो बस शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं तुम्हें कभी दोबारा परेशान नहीं करूँगी, तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊँगी। प्रीति की बात सुनकर राहुल का मन पिघल जाता है और वह अपनी माँ से बात करके अपनी और प्रीति की शादी का मन बना लेता है। अमीर घर की प्रीति शादी करके ससुराल में पहुँच जाती है। प्रीति अपने ससुराल के पहले दिन जब सुबह उठकर पूजा पाठ करती है और पैर छूने के लिए अपनी सास के कमरे में जाती है,
जिसे देखकर उसकी सास सावित्री बोलती है, क्या बात है बहू, इतने अमीर घर की लड़की होने के बाद भी तुम्हारी आंखें इतनी जल्दी खुल गई। मैंने तो सुना था अमीर घर की लड़कियां 10 बजे से पहले उठती ही नहीं है, लेकिन तुम तो 5 बजे ही उठ गई और तैयार भी हो गई। माँ जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है, क्योंकि पापा सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो वो मेरे हाथ की चाय पीकर ही जाते हैं। अच्छा, और क्या क्या बना लेती हो बहू तुम? माँ जी, मुझे खाने में सब कुछ बनाना आता है, क्योंकि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट भी कर रखा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणवान है, भले ही देर से ही सही, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बहू मिली है। बहू, तुम्हारे इस गरीब ससुराल में तुम्हें शायद ऐसे ऐशो आराम ना मिल पाए, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं आने देंगे हम, इसका मैं वादा करती हूँ तुमसे। माँ जी, मुझे परिवार का प्यार मिल गया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रही बात ऐशो आराम की, तो समय अनुसार इंसान हर तरह के माहौल में ढल जाता है। आप वो सब छोड़िए, ये बताइए कि क्या आप मेरे हाथ की चाय पियेंगी? बहू नेकी और पूछ, जल्दी से ना मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मेरी बहू के हाथों की बनी हुई चाय पियूंगी तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। प्रीति इतना कहकर रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए शक्कर और चाय पत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र चीनी के खाली डब्बे पर जाती है और वह मन में बोलती है, चीनी तो है ही नहीं, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, मैं अपनी किसी भी काम में टोक नहीं लगा सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रीति पूरी रसोई की छानबीन करने लगती है कि शायद उसे कुछ मिल जाए जिससे वह चाय बना सके। तभी उसकी नज़र गुड़ के डब्बे पर जाती है और वह चीनी की जगह सबके लिए गुड़ वाली चाय बना देती है और हॉल में बैठे अपने पति और सास को देती है। चाय पीते ही रोहित प्रीति से बोलता है, प्रीति तुमने गुड़ वाली चाय बनाई है क्या? जी हाँ, मैंने गुड़ वाली चाय ही बनाई है। वो क्या है ना कि माँ जी ने मुझे चाय बनाने को बोला था, लेकिन रसोई में चीनी खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा तो क्यों ना गुड़ वाली चाय ही बना लिया जाए। आपको पसंद नहीं आया क्या? काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे गुड़ वाली चाय बहुत पसंद है, लेकिन मैं ज्यादा पीता नहीं क्योंकि मेरी माँ को बनानी आती नहीं है सही से, जब भी बनाती है खराब हो जाता है। लेकिन मैं इस बात को लेकर अचंभा में हूँ कि तुम्हें ये बनाना कैसे आता है, मतलब तुम तो अमीर हो ना, तुमने कभी घर में कोई काम भी नहीं किया होगा, तो ये गुड़ वाली चाय तुम्हें बनानी कैसे आती है? क्योंकि आजकल तो नॉर्मल इंसानों को भी जो रोज चाय बनाते हैं उनको भी नहीं आती, तो तुमने कैसे बनाया? मेरी माँ तो कोशिश भी करती है लेकिन कभी बन नहीं पाती, हमेशा खराब हो जाती है। अच्छा बेटा, बहू के आते ही उसके सामने अपनी माँ की बुराई करना शुरू कर दिया। माँ मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अब बस थोड़ी सी तारीफ कर रहा था प्रीति की। प्रीति अमीर घर की लड़की जरूर थी, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं था जो उसे ना आता हो, और उसके इसी स्वभाव के और गुणों के चलते उसके ससुराल वाले उससे बेहद खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक से लाइट चली जाती है और प्रीति को गर्मी लगने लगती है। तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू तुझे तो हमेशा ही एसी में रहने की आदत है, और यहाँ पर तो तुझे ठीक से लाइट भी नसीब नहीं हो रही है, तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब मैं अपने नानी के पास गांव में जाती थी तो वहाँ पर कहाँ ही एसी और पंखा हमेशा चलता था, वहाँ पर भी आए दिन लाइट जाया करती थी, तो आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। वैसे मेरे पास इस गर्मी से बचने के लिए एक जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ बहू, मैं कुछ समझी नहीं। प्रीति अपने कमरे में आ जाती है और अपने साड़ी के गत्ते को काट कर उसका एक पंखा तैयार कर लेती है और उस पंखे से अपना और अपनी सास को हवा करने लगती है। उसकी यह कारीगरी देखकर सावित्री बिल्कुल हैरान रह जाती है, और इसी तरह प्रीति अपने गरीब ससुराल में उन लोगों के माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है और पहले दिन ही सबका दिल जीत लेती है। नीतू को नई नई चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो हमेशा से ही कुछ न कुछ नया बनाया करती और खाया करती। एक दिन नीतू ने आम के अचार के पराठे बनाए और उस चक्कर में रसोई की हालत खराब कर दी। कुछ देर बाद नीतू की बहू रश्मि बाजार से सब्जी लेकर आती है और रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। ये देखकर रश्मि को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आज आपने फिर रसोई का सत्यानाश मार दिया,
आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि आप नया नया कुछ मत करा कीजिए। आज फिर आपके चक्कर में मेरी रात की नींद खराब होगी। बहू आज गुस्सा मत कर, आज मैंने जो भी बनाया है ना वो तुझे सच में बहुत पसंद आएगा। आज मैंने आम के अचार के पराठे बनाए हैं, बहुत मन से बनाए हैं, तू खाएगी तो तारीफ ही करेगी मेरी। माँ जी आपसे कुछ अच्छा बनता तो है नहीं है, और ये बात आपसे मानी भी नहीं जाती है। अरे जब घर में बहू आ गई है तो क्यों आपको रोज रोज कुछ नया बनाते रहना है? मैं क्या रसोई में आना ही छोड़ दूँ अब? नहीं बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ये रसोई तो तेरी ही है, तू क्यों रसोई में आना छोड़ रही है? वो तो मैं बस अपनी आदत से मजबूर हूँ, तभी तो मैंने कुछ नया बनाने की सोची, लेकिन तू पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है। माँ जी आप थकी हो और फिर उसके बाद आपके सर पर इतना सारा काम रख दिया जाए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं आज आपको अच्छे से समझा रही हूँ, आप रसोई में मत आना। मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ और तू है इतना गुस्सा कर रही है। अरे तुझे नहीं करना तो मत कर रसोई साफ, अब भी मेरी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। हाँ और आप तो यही चाहती हो ना कि बाहर वाले मुझे यही बोले कि मैं अपनी सास से घर का काम करवाती हूँ और खुद आराम करती हूँ। मुझे आप इतना बताओ कि मैं क्या आपको अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाती हूँ, या आपको ज्यादा ही अच्छा खाना बनाना जानती हो जो खुद खाना बनाने लग जाती हो? ऐसी बात नहीं है बहू, लेकिन मैं शुरू से ही अलग तरह का कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। वो क्या है ना, मेरे लिए स्वाद ज्यादा जरूरी है, तो तभी मैंने फिर अचार के पराठे बनाए। माँ जी अब आपकी उम्र हो चली है, इतने स्वाद के पीछे मत भागो आप, अब आपको सादा खाना ही खाना चाहिए। पता है ना आपको कि इस उम्र में कितनी समस्याएं आती हैं? बहू तुझे अगर मुझे ऐसे बार बार सुनाना है तो मेरी भी सुन ले, मैं तेरी सास हूँ ना कि तू मेरी सास। जो जब मन आए कुछ भी सुनाती रहे, प्यार से रहेगी तो ही तुझे प्यार मिलेगा। रश्मि अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी सास उसकी एक बात तक नहीं सुनती थी, हर वक्त बस अपने मन की ही करती थी, जो कि बाद में रश्मि पर ही भारी पड़ता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद नीतू अपनी पड़ोसन जानकी के घर जाती है। क्या बात है जानकी, तेरे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास बना रही है क्या? यही बच्चे हैं बस, फोन में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं और फिर बाद में आकर घर में बनाने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बच्चे कुछ तो कर रहे हैं, और यहाँ एक मेरी बहू है जो ना खुद कुछ बनाती है और ना ही मुझे बनाने देती है। वैसे बना क्या रही तेरी बेटी? कह तो रही थी कि टमाटर के पराठे बना रही है, अब तू ही बता, यहाँ आलू के पराठे बनाने में तो जान निकल जाती है, बार बार आलू बाहर निकलते हैं और ये चली टमाटर के पराठे बनाने। ये तो कुछ अलग ही सुन रही हूँ मैं, अब तक आलू गोभी पनीर के पराठे सुने थे, टमाटर के पराठे तो आज पहली बार सुन रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार मुझे भी बनाने चाहिए। तुझे क्या तेरे घर में शांति अच्छी नहीं लगती जो अब तू भी टमाटर के पराठे बनाने चली? अरे सादा क्या कुछ तेरे गले से नीचे नहीं उतरता? अरे मैं तो कहती हूँ पनीर पराठा भी मस्त लगता है, खा कर देख। पनीर पराठा तो बहुत बार खाया है लेकिन कभी टमाटर पराठा नहीं खाया, और अब मुझे तो टमाटर पराठा सुनकर ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा होता होगा, मन कर रहा है खाने का। तुझे टमाटर के पराठे ही खाने हैं ना, तो एक काम कर, तू यहीं रुक जा थोड़ी देर, अभी मेरी बेटी टमाटर के पराठे बनाकर ला रही है, खुद खा लियो और उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि दोबारा बनाने लायक है ये पराठे या नहीं। मुझे खाने और बनाने दोनों में ही मजा आता है, मैं चलती हूँ अपने घर टमाटर के पराठे खाने। जानकी के घर टमाटर पराठा सुनकर नीतू के मुंह में जैसे ही पानी आने लगता है, और वो भी अपने घर जाकर टमाटर का पराठा बनाने लगती है। लेकिन नीतू जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें एक भी टमाटर नहीं होता। ये देखकर नीतू अपनी बहू को बुलाने लगती है, और रश्मि के साथ उसका पति वैभव भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर जोर से आवाज क्यों लगा रही हो, सब ठीक तो है ना? ठीक है सब, लेकिन बहू तू मुझे एक बात बता कि घर में एक भी टमाटर नहीं है। कहने को तो तू बाजार जाती रहती है लेकिन बाजार क्या घूमने जाती है जब रसोई में टमाटर ही नहीं है? माँ जी शायद आपके दिमाग से निकल गया हो, इसलिए दोबारा याद दिला रही हूँ कि आपको ही आज सुबह टमाटर की चटनी बनाकर सारे टमाटर खत्म कर दिए, और अब बाजार तो शाम को ही जाऊंगी ना। क्यों, शाम को क्या जाना बाजार, यही नुक्कड़ पर एक सब्जी वाला बैठता है, वहाँ से ले आ टमाटर। माँ आपको क्या हो गया है, जब रश्मि बोल रही है कि वो शाम को बाजार से सब्जी ले आएगी तो आप क्यों इतनी जिद कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता बहू, तू जा अभी जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ।
माँ जी सच बताओ, आपको फिर कुछ नया बनाना है ना टमाटर से? तभी आप मुझसे बार बार जिद कर रही हो कि आपको टमाटर चाहिए ना माँ जी, यही बात है ना? हाँ यही बात है, सुन लिया ना तूने? अब जाकर टमाटर ला। अब तो बिल्कुल भी टमाटर नहीं लाने वाली हूँ मैं, ना अभी और ना ही शाम को बाजार से। क्यों बहू, क्यों नहीं लाने तुझे टमाटर? वैसे भी बिना टमाटर के कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ जी टमाटर से सब कुछ अच्छा तो लगता है, लेकिन टमाटर लाते ही ना हमारी रसोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। आप रसोई को बुरा हाल बना देती हो। नहीं मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रश्मि तुम ये क्या बोल रही हो? अरे माँ का कुछ बनाने का मन है तो बनाने दो ना, किसी को ऐसे टोकना अच्छी बात नहीं होती है। जाओ यहीं पास से टमाटर लेकर आओ। वैभव जी बात ये नहीं है कि मुझे माँ जी के कुछ बनाने से परेशानी है, बात तो ये है कि माँ जी कुछ बनाने लग जाती है ना तो पूरी रसोई खराब कर देती है, फिर मेरा काम बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, माँ जो बोल रही है ना तुम वो करो, रसोई को साफ करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ना। वैभव की बात सुनकर रश्मि टमाटर लाने के लिए मान जाती है और उसके बाद नीतू भी अपना टमाटर का पराठा बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब नीतू का टमाटर का पराठा बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है और उसे बनाते हुए रश्मि की रसोई भी ज्यादा गंदी नहीं होती। कुछ देर बाद जब रश्मि और वैभव रसोई में आते हैं और रसोई साफ देखते हैं तो कहते हैं, रश्मि तुम तो कह रही थी कि माँ खाना बनाते हुए रसोई गंदी कर देती है, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ दिख रही है रसोई। लगता तो मुझे भी यही है कि माँ जी रसोई को पूरा गंदा कर देंगी, लेकिन यहाँ तो पूरी रसोई चमक रही है। माँ जी ऐसा क्या बना दिया आपने? आज मैंने टमाटर के पराठे बनाए हैं जो सच में बहुत ही लाजवाब है। बहू अब तो खुशी हो जाएगी क्योंकि मुझे टमाटर के पराठे बहुत पसंद आए हैं और इसे बनाने से ज्यादा रसोई गंदी भी नहीं होती। चलो मुझे भी छुट्टी मिल गई क्योंकि मेरी टमाटर की पराठे खाने वाली सास जो सुधर गई। जिसके बाद सब मिलकर रश्मि की सास के बनाए टमाटर के पराठे खाते हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने थे और उन्हें खाकर सब उसकी तारीफ भी करते हैं क्योंकि पराठों में स्वाद भी था और रसोई ज्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। जिसके बाद नीतू का जब मन किया करता वह रसोई में जाकर टमाटर के पराठे बनाया करती और सबको खिलाया भी करती, जिसके बाद से वो अपने पूरे मोहल्ले में टमाटर के पराठे खाने वाली सास के नाम से मशहूर हो जाती है। रिंकू की शादी को 2 महीने ही बीते थे। रिंकू को घूमने फिरने का काफी शौक था। अब रिंकू एक रोज देर शाम अपने पति राजेश के साथ मार्केट जाती है। तभी मार्केट में पहुंचकर रिंकू देखती है कि वहां उसके फेवरेट गोले मिल रहे थे, जिसे देखकर रिंकू अपने पति से कहती है, सुनिए ना आपने अभी कहा था कि तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे वो गोला खाना है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, ये भी कोई खाने की चीज है? अरे मुझे ये सब पसंद नहीं, तो अब चलो भी हमें मार्केट में सामान लेना है। नहीं मुझे गोला ही खाना है, बहुत समय हो गया है, अगर आपने मुझे ये नहीं खिलाया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब अपनी पत्नी के जिद पर राजेश अपनी पत्नी को गोला खरीद कर देता है और रिंकू भी उस गोले को खाने लगती है। हालांकि बच्चों के बीच में रिंकू गोला खाते हुए अजीब लग रही थी। ये देखकर राजेश रिंकू से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। तभी राजेश का बॉस राजेश को देखकर कहता है, अरे राजेश तुम यहाँ सामान लेने आए हो क्या? जी जी सर, मार्केट आया था घर का सामान लेने। अब राजेश अपने बॉस से बातें कर ही रहा था कि तभी रिंकू अपने पति के पास आती है और राजेश से कहती है, जी सुनिए ना आइए ना आप भी गोला खाइए ना। अरे मुझे नहीं खाना, कहाँ ना, जाओ यहाँ से। कौन है ये पागल राजेश, तुम इसे जानते हो? नहीं नहीं सर, होगी कोई पागल, पूरे कपड़े में भी रंग लगा दिया। अच्छा तो ठीक सर मैं चलता हूँ। अब रिंकू को छोड़कर राजेश आगे निकल जाता है और रिंकू पीछे से गोला हाथ में लिए ही दौड़ते हुए कहती है, सुनिए जी कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर, अरे रुकिए तो सही। अरे ये औरत तो बहुत बड़ी पागल है, अनजान आदमी के गले पड़ रही है। तू चुप कर, वो मेरे सजनवा है, कोई अनजान आदमी नहीं। अब करीब 10 मिनट बाद राजेश आता है, तब तक रिंकू वहीं होती है और राजेश को देखकर रोने लगती है। अब जैसे ही दोनों घर आते हैं तो रिंकू के चेहरे और लाल रंग को देखकर रिंकू की सास सरलार रिंकू से कहती है, बहू ये क्या तुझे टीवी जैसे भयंकर बीमारी है क्या? राम राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। किसे टीवी है, कौन सी टीवी है? नाना माजी मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा। बहू झूठ तो ना बोल कम से कम,
बोल तो तेरा इलाज करवाऊं। अरे माँ, कोई बीमारी नहीं है इसे, ये अभी गोला खा कर आई है, वही लगा है इसके मुंह पर जिसे आप खून समझ रहे हो। सत्यानाश बहू, ये क्या तरीका है गोला चूसने का, देखो तो अपना मुंह पूरी चुड़ैल लग रही है, जैसे किसी का ताजा खून पीकर अभी अभी आ रही हो। रिंकू ने अपने फेवरेट गोली की वजह से कांड ही करवा दिया था। अब अगली सुबह करीब 10 बजे सरला के घर विमला भी होती है, तभी राजेश अपने कमरे से उठकर आता है और हॉल में जाकर बैठ जाता है। तभी विमला सरला को इशारा करती है और कहती है, देख ना सरला, अपने बेटे को क्या करवा कर आया है। राम रे राम, ये क्या है, कमीने को एक पैसे की शर्म नहीं है। बहू ओ बहू, कहाँ है तू? क्या हुआ माँ जी, मैं तो उनके लिए चाय बना रही थी। वो सब बाद में करियो, ये देख राजेश की कमीज पर ये खून के कैसे निशान है, जाकर उसे बोल वो कमीजे खोले, तुम दोनों में कोई शर्म बची है या नहीं। अरे ये तो माँ जी मेरे गोले का रंग है जो मैंने कल खाया था। गोले का ही लाल रंग है ना ये, कुछ कहीं और तो नहीं सरला। अब विमला के जाने के बाद सरला अपने बेटे राजेश और रिंकू को सुनाते हुए कहती है, तुम दोनों को शर्म है कि नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है इस उम्र में। अब देर शाम रिंकू को फिर से गोला खाने का मन होता है, जिसके लिए वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज शाम की चाय के लिए चीनी और चाय पत्ती नहीं है, और वो भी आज लेट आएंगे, तो क्या मैं मार्केट से कांता आंटी की बेटी पिंकी के साथ जाकर ले आऊं? इतनी जल्दी चीनी पत्ती खत्म हो गई? अगर ऐसा है तो तू पिंकी के साथ जाकर जल्दी आ जाइयो बहू। अब रिंकू अपनी पड़ोसन के साथ मार्केट निकल जाती है, वो भी झूठ बोलकर, और वहाँ जाकर गोला खाती है। और जब रिंकू गोला खाकर घर लौट रही थी, तभी विमला गोले के काले रंग को रिंकू के मुंह पर लगा हुआ देखकर जल्दी से सरला के पास जाती है और सरला से कहती है, सरला तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ये क्या देखने को मिल रहा है। अरे क्या बोल रही है विमला, तू क्या हुआ बताएगी कुछ, मैं कैसे लूटी, कैसे बर्बाद हुई। अरे तेरी बहू का मुंह किसी ने काला कर दिया है, ना जाने कहाँ को गई थी जो ये सब हो गया। क्या बात कर रही है, मेरी बहू का मुंह किसी ने काला कर दिया। अब जब सरला विमला के साथ बाहर आती है तो वो देखती है कि रिंकू के मुंह पर काला रंग लगा है और वो आधे घूंघट में है। ये देखकर सरला अपनी बहू का हाथ पकड़कर घर में लाती है और कहती है, बहू ये सब क्या है, तूने तो मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी है। लेकिन माँ जी मैंने ऐसा किया क्या है, आप मुझे ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? क्यों ना बोले तेरी सास ये सब, उसकी जो इज्जत गई है उसका क्या, बहू अब बता भी दे कि कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है। अरे माँ जी ये सब क्या बोल रही हैं आप, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं आप मेरी शक्ल पर गोले का रंग तो नहीं। तो ये गोले का रंग है, सत्यानाश हो बहू, ये सब क्या है, और तू और ये तेरा गोला ना। अरे सरला ये गोला क्या होता है, मैंने तो कभी नहीं खाया। खाइयो भी नहीं, वरना तो तुझे भी लोग इसी की तरह कहेंगे कि कहाँ से मुंह काला करवा कर आई है। अब अगले रोज रिंकू अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश बनाने जा रही हूँ जिसे खा कर ना अब भी यही कहेंगी, वाह क्या डिश बनाई है। अच्छा बहू, ऐसा क्या बना रही है, जरा मैं भी तो देखूं। माँ जी अब आप शाम में ही देखना क्या और कैसे बनता है। अब रिंकू देर शाम अपनी सास के लिए चाय की जगह बर्फ के गोले वाली चाय लेकर आती है और अपनी सास को कहती है, देखो माँ जी ये मैंने क्या बनाया है, बस आप इसे जल्दी से खा लो वरना ये पिघल जाएगा। गल जाएगा क्या मतलब है, ये क्या बना कर लाई है तू, इसमें चाय कहाँ से आया, ये क्या है चाय और पानी। माँ जी ये मेरा फेवरेट गोला है, लेकिन आज का फ्लेवर चाय है, मैंने गोले में चाय डाल दी है माँ जी। राम राम बहू तू पागल तो नहीं हो गई, चाय में बर्फ डालकर लेकर आई है और मुझे कह रही है चाय वाला गोला लाई हूँ। अब सरला अपनी बहू के इस गोले खाने की आदत से परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए अगले ही दिन मार्केट जाती है, और वो भी अपनी बहू के साथ। और जब दोनों मार्केट पहुँचते हैं तो वैसे ही सरला अपनी बहू से कहती है, बहू जरा तू उस फल वाले से अनार के दाम पूछ करा, तब तक मैं तेरे लिए गोले बनाती हूँ। सच्ची माँ जी आप मेरे लिए गोला बनवा रही है, तो ना आप ना उसे कहना लाल वाला रंग ही डाले, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब रिंकू जब तक आती है सरला उसके लिए गोला बनवा कर रखती है, और जैसे ही रिंकू उस गोले को खाती है वो गोले वाले से कहती है, भैया इसमें से ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे आपने इसमें शैम्पू डाल दिया हो। मैं भी तो खा रही हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा,
खा भी ले बहू, तो जल्दी मार्केट से सामान लेकर घर भी जाना है हमें। माँ जी चलो, मुझसे तो ये गोला नहीं खाया जाएगा, ना जाने मुझे क्या अजीब सा लग रहा है। हाँ बहू, तुझे इसलिए भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे कि तूने खूब खा लिए गोले। अब देर रात जैसे ही घर का सारा काम करके रिंकू सोने जाती है, उसे खूब उल्टियाँ होती है। ये देखकर सरला मन ही मन कहती है, अब खाए ना गोले, वो तो मैंने इसकी इस आदत को छुड़वाने के लिए उस गोले में शैम्पू डलवा दिया था, अब आएगा इसे मजा, आए दिन कोई ना कोई कांड करके चली ही आती है। अब रिंकू को इतनी उल्टियाँ होती है कि वो अब कभी दोबारा गोले को हाथ तक ना लगाने का फैसला करती है और फिर कभी गोले को नहीं खाती। पलक एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी जहाँ पर उसकी बहुत सारे दोस्त हैं। उन्हीं में से एक दोस्त थी रानी, जो कि दिल्ली से थी। रानी एक दिन पलक से कहती है, यार पलक, इस हॉस्टल में रहते हुए हमें इतना समय बीत गया और बहुत समय से मैं अपने घर भी नहीं गई। मुझे तो बहुत याद आती है अपनी फैमिली की और खास करके दिल्ली के छोले भटूरे की, उनकी तो बात ही अलग होती है। ऐसा क्या खास है दिल्ली के छोले भटूरों में जो तू हर बार मेरे सामने दिल्ली के छोले भटूरों का जिक्र करती है? आखिर उसमें भी तो वही सब डलता होगा ना जो यहाँ पर बनने वाले छोले भटूरों में डलता है। भले ही यहाँ वाले छोले भटूरे नॉर्मल हो, लेकिन दिल्ली के छोले भटूरे की बात ही अलग है। तूने कभी दिल्ली के छोले भटूरे नहीं खाए ना, इसलिए तू ऐसा कह रही है। जिस दिन तू दिल्ली जाएगी और वहाँ के छोले भटूरे खाएगी, तब तुझे पता चलेगा मैं इतनी तारीफ क्यों करती हूँ दिल्ली के छोले भटूरे की। अगर ऐसा है तो जब हमारा कॉलेज खत्म होगा तब हम अपने अपने घर चले जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद मैं दिल्ली एक बार जरूर जाऊंगी और वहाँ के छोले भटूरे खाकर ही रहूंगी। मैं भी तो देखूं दिल्ली के छोले भटूरों में ऐसी क्या बात है जो तू इतनी तारीफ करती है। तुझे क्या लगता है तेरे घर वाले तुझे सिर्फ दिल्ली छोले भटूरे खाने के लिए भेजेंगे? उन्होंने तुझे हॉस्टल भेज दिया और अब तू सोच रही है कि तू सिर्फ छोले भटूरे खाने के लिए दिल्ली जाएगी? अच्छे मजाक करती है तू भी। तू जानती है ना कि मैं एक फूड ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, और अपने फूड ब्लॉग के करियर की शुरुआत मैं दिल्ली के छोले भटूरों से ही करूँगी। फूड ब्लॉगिंग बाद में करना, पहले सुबह की जॉगिंग कर लेते हैं, वरना अगर यहाँ पर वार्डन ने हमें बात करते हुए देख लिया तो हमें देसी मुर्गा बना देगी, चल जल्दी। इतना कहकर दोनों सहेलियाँ हॉस्टल के ग्राउंड में जॉगिंग करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे 2 साल निकल जाते हैं। पलक और रानी का हॉस्टल से जाने का वक्त हो गया था। आखिरी बार दोनों एक दूसरे से गले मिलकर कहती हैं, पलक तेरे साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, कभी मौका मिले तो दिल्ली जरूर आना। हाँ क्यों नहीं, तुझे याद है ना मैंने तुझे कहा था मैं आगे जाकर एक फूड ब्लॉगर बनना चाहती हूँ, और अपनी फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं दिल्ली के छोले भटूरों से ही करूँगी, तो बस जल्दी मिलेंगे अब। अरे पगली, तुझे आज भी वो बात याद है? मैं तो कब का भूल गई थी। लेकिन सच में अगर तू दिल्ली जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और हाँ मुझसे मिले बिना जाने की सोचना भी मत। चल अब मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है और पलक भी अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ घंटे बाद पलक अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आज कितने सालों बाद मेरी बच्ची घर वापस आई है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुझे? नहीं माँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप ठीक है ना, और घर में सब कैसे हैं? सब सही है, लेकिन तेरे घर से जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, फिर तू अब तो वापस आ गई है तो मानो घर की रौनक वापस आ गई हो। हाँ माँ सही कहा, आप अक्सर यही चाहती थी कि मैं आपके साथ घर पर ही रहूं, तभी आप मुझे कभी कभी बाहर नहीं जाने देती थी, और मैं बाहर निकलूं इसलिए मुझे पापा ने हॉस्टल भेज दिया। अब जब वापस आई हूं तब भी आप यही चाहती हैं कि मैं घर में कैद होकर रहूं? नहीं मेरी बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब तो बस तेरे भले के लिए तुझे घर में रखते थे। पता है ना आजकल का जमाना कितना बुरा है, जरा सी देर में लड़कियों के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है। इस दुनिया में मैं एक ही लड़की नहीं हूँ, मेरे जैसी और भी हजारों लड़कियाँ हैं, उनके माता पिता भी उनकी चिंता करते हैं, लेकिन वो आपकी तरह अपनी बेटी को घर में कैद करके या हॉस्टल में कैद करके नहीं रखते, आप कब समझेंगी ये बात? बेटी इतने सालों बाद तो तू अपने घर लौटी है, लेकिन अब भी तेरे अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, आज भी नाराज है क्या अपनी माँ से तू? हाँ माँ मैं आपसे नाराज हूँ, क्योंकि आपने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, मुझे हमेशा इस घर की चार दीवारी में रखा, या फिर थोड़ी सी बड़ी होने के बाद उस हॉस्टल की चार दीवारी में रखा, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। लेकिन बेटी तो करना क्या चाहती है, मुझे भी तो बता, अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही है?
माँ, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। वहाँ जाकर अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, ऐसा क्या काम है जो दिल्ली में ही हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता? माँ, मुझे फूड ब्लॉगर बनना है और मैं चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत मैं दिल्ली के छोले भटूरों से करूँ। अब आप मुझे मत रोकना। लेकिन तू वहाँ जाएगी कहाँ, कहाँ पे रहेगी, बाकी सब कैसे होगा? माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस मुझे जाने दीजिए। अगर तेरी यही मर्जी है तो तू जा, मैं इस बार तुझे नहीं रोकूंगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर पलक बहुत खुश होती है। आखिरकार वो पहली बार दिल्ली जा रही थी, वहाँ के मशहूर छोले भटूरे खाने, जिसकी तारीफें वो बहुत समय से अपनी दोस्त रानी से सुनती आई थी। कुछ घंटों के बाद वो दिल्ली पहुँच जाती है और यहाँ आकर वो सबसे पहले एक होटल में रूम लेती है और अगले दिन होटल के मैनेजर से पूछती है कि दिल्ली के सबसे अच्छे छोले भटूरे के बारे में, और मैनेजर उसे कुछ दुकानों के बारे में बताता है। पलक वहीं जाती है और अपना पहला व्लॉग बनाती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त पलक, ये है मेरा नया फूड ब्लॉगिंग चैनल और ये है मेरा पहला व्लॉग। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी शुरुआत दिल्ली के छोले भटूरों से की जाए। इतना कहकर अब पलक व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है और उसके सामने बहुत सारे छोले भटूरे थे और उन्हें वो खा रही थी कि तभी उसके पीछे से राहुल नाम का एक लड़का आता है और उसके प्लेट से एक भटूरा उठाकर खाने लगता है। अरे वाह 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 वाह, दिल्ली के छोले भटूरों की तो बात ही अलग है, मजा आ गया। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ और तुम ऐसे कैसे किसी की प्लेट से खाना उठाकर खा सकते हो? सॉरी, मुझे क्या है ना, भूख लगी थी और ऊपर से इन छोले भटूरों की खुशबू, अरे मैं खुद को रोक नहीं पाया, माफ करना। वैसे आप दिल्ली की तो नहीं लगती, आप यहाँ पर नहीं है क्या? हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने दिल्ली के छोले भटूरों के बारे में बहुत सुना था और मैं एक ब्लॉगर भी बनना चाहती थी, तो मैंने सोचा दिल्ली की तरह के छोले भटूरे खाकर अपने ब्लॉग की शुरुआत करूं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन दिल्ली के छोले भटूरे खाने और उनका ब्लॉग बनाने के लिए तुम्हें यहाँ के बारे में जानना भी तो जरूरी होगा। क्या तुम्हारे साथ दिल्ली में रहने वाला कोई दोस्त है या कोई जान पहचान का रिश्तेदार? नहीं, मैं यहाँ अकेली हूँ और एक होटल में ठहरी हूँ, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के रास्ते और दुकानें देख लूंगी। वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो या मदद चाहिए तो मुझे बताना, अरे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ और भटूरों का तो शौकीन हूँ ही। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा क्यों नहीं करते, हम दोनों साथ में दिल्ली के छोले भटूरों को खाते हुए व्लॉगिंग करें? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? तुम तो दिल्ली के ही हो ना, तो चलो चलते हैं दिल्ली की किसी सबसे बड़ी छोले भटूरों की दुकान पर। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, दोनों मिलकर दिल्ली के स्वादिष्ट छोले भटूरे का स्वाद लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही वो रेगुलर ब्लॉग बनाते रहते हैं। उनके ब्लॉग्स को भी काफी लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही एक दिन पलक की दोस्त रानी पलक का एक ब्लॉग देखती है और वो पलक को कमेंट करती है। बाद में रानी पलक के नंबर पर कॉल करती है और कहती है, अरे वाह पलक, तूने जो भी कहा था वो सच करके दिखा दिया। मुझे तो लगा था कि तुम भूल ही गई होगी। वैसे तो दिल्ली के छोले भटूरे बहुत मशहूर है, लेकिन देखा अब छोले भटूरे ने तुझे भी मशहूर कर दिया। सही कहा तूने रानी, मुझे क्या पता था दिल्ली के छोले भटूरे सच में इतने स्वादिष्ट होते हैं। जितने वो फेमस होंगे उतने ही मुझे भी फेमस कर देंगे। मैं तो फैन हो गई दिल्ली के छोले भटूरों की।